मॉर्निंग में जल्दी सुबह उठना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की, लेकिन कहावत है कि इंसान सफल तभी हो सकता है लाइफ में जब वो मॉर्निंग में सुबह उठना शुरू करता है। देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस जो आपको मॉर्निंग में सुबह उठने से रोकता है, लेकिन मैं इसको कैसे काउंटर करता हूँ, मैं कैसे मॉर्निंग में उठता हूँ, कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करता हूँ जिससे मैं मॉर्निंग में उठ पाता हूँ, आज के इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। ऑल्दो मैं भी पहले 10 बजे 11 बजे उठता था, घर में सबसे डांट खाता रहता था, लेकिन मैंने अपने लाइफस्टाइल में चेंज करा एंड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो की जिससे मैं अब मॉर्निंग में उठ जाता हूँ 5 से 6 बजे। तो सबसे पहला पॉइंट है बॉडी को ना पूरा दिन थकाना। तुम्हें रात में नींद आएगी ही नहीं अगर तुम्हारी बॉडी थकी नहीं रहेगी। तुम्हारी बॉडी बोलती है कि अरे मैं तो फ्रेश हूँ, एक्टिव हूँ, मुझे तो नींद आ ही नहीं रही है, मैं तो अभी मूवीज देखूंगा, वेब सीरीज देखूंगा। हमारी बॉडी और हमारा दिमाग बोलता है कि अरे क्या भैया, आप भी मजा करो ना, जलसा करो ना, अभी तो रात जवान है। तो बॉडी को ना थकाना जरूरी होता है, और बॉडी को थकाना कैसे है, पूरा दिन काम करो, जो भी आपका काम है, पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई करो, काम कर रहे हो काम करो, बहुत ही अच्छे से काम करो, ऐसा नहीं कि आप टाइम पास कर रहे हो, है ना, अच्छे से काम करो। कहने का तात्पर्य ये है तुम फोकस्ड होकर अपने गोल्स पर काम करो जिससे आप अपने गोल्स को भी अचीव करो। उसके बाद है आपको दिन में एक्सरसाइज करना है आधा घंटा एटलीस्ट। आप शाम के टाइम पे कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हो, मे बी क्रिकेट, फुटबॉल या कुछ भी जो आपको पसंद है जिससे आपकी बॉडी थके। मैं क्रिकेट खेलता हूँ क्योंकि मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, और इंडियन टीम में अगर क्रिकेट की बात करें तो मुझे रोहित शर्मा बहुत पसंद है। आपका कौन सा फेवरेट प्लेयर है कमेंट में जरूर बताना। एनीवे, तो पूरा दिन काम करके, क्रिकेट खेल के, एक्सरसाइज करके मैं अपनी बॉडी को थकाता हूँ। और जब आप अपने बॉडी को थकाते हो ना, तो उस वक्त में आप देखोगे कि रात को 8 बजे से 9 बजे के बीच में आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। आपको नींद तो आनी शुरू हो जाती है, लेकिन लोग जो बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं कि वो अपने फोन लैपटॉप में लगे रहते हैं, जिस वजह से उन्हें नींद आनी बंद हो जाती है। तो सेकेंड पॉइंट है रात के 9 बजे में फोन और लैपटॉप बंद कर देना। अब देखो होता क्या है कि फोन और लैपटॉप से या फिर टीवी से जो निकलने वाले ब्लू लाइट होते हैं ना, वो हमारे बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज नहीं होने देते। मेलाटोनिन हार्मोन कब रिलीज होता है, जब हमारे माइंड को लगता है कि रात हो चुकी है, लेकिन चूंकि हम हमेशा फोन लैपटॉप टीवी देखते रहते हैं, इस वजह से हमारे दिमाग को लगता है कि अरे भैया अभी तो रात हुई नहीं है, क्योंकि भैया हमारे आसपास चारों तरफ तो प्रकाश ही होता है, अंधेरा रहता नहीं है, लाइट रहता है घर में, उसके अलावा फोन का लाइट रहता है, लैपटॉप टीवी देख रहे हो तो उसका लाइट रहता है हमारी आंखों पर, तो उससे हमारे माइंड को सिग्नल जाता है कि भाई रात अभी हुई नहीं है। हमारा माइंड भी कहता है कि ये चूतिए हमेशा कंफ्यूज करते रहते हैं मुझे, सारा पता ही नहीं चलता है कब रात होता है कब दिन होता है। तो यहाँ पर आपको अपने माइंड को ना कंफ्यूज करना बंद करना होगा, और फोन और लैपटॉप को 9 बजे में बंद कर देना होगा। इससे ये होगा कि आपकी आंखों पर ना लाइट नहीं पड़ेगा, एंड आपके दिमाग को सिग्नल जाएगा कि भैया रात हो चुकी है, अब अपना कार्यक्रम शुरू करो। कार्यक्रम मतलब सो जाओ, कुछ और मत समझना। उसके अलावा आप एक ब्लू कट लेंस ले सकते हो, जो कि आप 8 बजे से लेकर 10 बजे तक जब आप सोने वाले होते हो पहन सकते हो, जिससे आपको नींद आनी शुरू हो जाए। मतलब जो भी आसपास आपके लाइट होते हैं, चाहे वो टीवी का लाइट हो, फोन का लाइट हो, लाइट जो आपके घर में जल रही है, उस सब से निकल रहे ब्लू लाइट को ब्लू कट लेंस कट कर दे। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये ब्लू कट लेंस है, 8 बजे से 10 बजे के बीच में इस ब्लू कट लेंस को लगा लेता हूँ, जिससे मान लो ब्लू लाइट जो मेरी आंखों में पड़ने वाले थे वो कट जाए एंड मुझे नींद आए। ये ब्लू लाइट को मेरी आंखों में आने से रोकता है, एंड इससे फायदा ये होता है कि मुझे नींद आती है इजीली। पॉइंट नंबर 3 है 9:30 से 10 बजे के बीच बेड पर लेट जाना। वेल, ये सारा प्रोसेस हम फॉलो इसलिए कर रहे थे क्योंकि भैया हमें सवेरे सोना है, एंड इसलिए आपको 9:30 से 10 बजे के बीच बेड पर लेट जाना है, एंड डेफिनेटली लेट कर सोने की कोशिश करना है। कोशिश करें कि 9:30 तक आपको खाना वाना खाकर आराम से बेड पर लेट जाना है एंड सोने की कोशिश करना शुरू कर देना है। अब अगर आपको बेड पर नींद नहीं आ रही है ना, तो भी आपको फोन नहीं चलाना है। मान लो 9:30 तक आप सो जाते हो, मतलब सोने की कोशिश करने लगते हो, तो लेटेस्ट आपको 10:30 तक नींद आ जाएगी, और उसके बाद आपके पास 8 घंटा होगा प्रॉपर नींद पूरा करने के लिए, एंड 5 से 6 बजे के बीच में आप इजिली उठ सकते हो। लेकिन इसमें डिफिकल्ट पार्ट ये है कि अगर आपको 10 बजे से लेकर 2 बजे तक भी नींद ना आए ना, तो भी आपको फोन नहीं चलाना है। अब ये नहीं कि फोन चलाने को नहीं बोला तो लैपटॉप लेके बैठ गए कि भैया ने फोन चलाने को नहीं बोला था, लैपटॉप तो चला सकता हूँ ना, टीवी तो देख सकता हूँ। पॉइंट नंबर 4 है दिमाग में सोचना कि मुझे कल 5 बजे कैसे भी उठना है, बहुत जरूरी है। दोस्तों, प्रकृति ने हमारे दिमाग में ना एक इनबिल्ट अलार्म क्लॉक दे रखा है, अगर आप उसका सहारा लेते हो ना, तो आपको किसी भी अलार्म क्लॉक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब आपको बहुत जरूरी होता है किसी दिन सुबह उठना, तो उस वक्त आप सुबह उठ जाते हो। मान लो आप फैमिली के साथ किसी
ट्रिप पर जाने वाले होते हो जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटिंग रहता है और सुबह सुबह जाना होता है 4 बजे में, तो आप उठ जाते हो। वेल, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने दिमाग को बार बार बता रखा होता है कि मुझे 4 बजे उठना है, मुझे 4 बजे उठना है, मुझे 5 बजे उठना है, मुझे 5 बजे उठना है। सिमिलरली अगर आप अपने दिमाग को बार बार बताते हो कि कल मुझे 5 बजे उठना है, कल मुझे 5 बजे उठना है, मुझे ये सारी चीजें करनी है, ये सारे काम निपटाने हैं, मुझे कल 5 बजे उठना बहुत जरूरी है, तो आप उठ जाओगे। मैं तो ये करता हूं एंड इससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा भी मिलता है कि मैं अगर 10 बजे सोने जाता हूं तो अपने दिमाग को बार बार रिमाइंड कराता हूं कि मुझे कल 5 बजे उठना है, मुझे कल 5 बजे उठना है क्योंकि मुझे ये सारी चीजें करनी है एंड ये जरूरी है। एंड मैं देखता हूं कि 5 या 5:15 तक मेरी नींद खुल जाती है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसमें किसी अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ती, मैं ऑटोमेटिकली उठ जाता हूं। पॉइंट नंबर 5 है नो स्नूज अलार्म लगाना। वेल, कई बार ऐसा होता है कि मैं थोड़ा लेट सोता हूं, मतलब 10 बजे नहीं सोता हूं, 11 बजे, 12 बजे या फिर 1 बजे सोता हूं, फिर भी मुझे 6 बजे उठना होता है, तो उस वक्त मैं नो स्नूज अलार्म लगाता हूं। वेल, नो स्नूज अलार्म आपके उस दोस्त की तरह है जिसको आप कितना भी बोलो कि मेरी बेइज्जती मत कर, वो साला आपकी बेइज्जती करेगा ही। सिमिलरली नो स्नूज अलार्म को आप कितना बोलो कि अबे बजना बंद कर, वो बजता ही रहेगा। मतलब अगर आप नो स्नूज अलार्म लगाते हो एंड अपने कान के बगल में रख देते हो, ठीक है, तो वो तब तक बंद नहीं होगा जब तक आप उठ नहीं जाते, क्योंकि उसमें कुछ पजल्स होते हैं। वो स्नूज तभी होता है जब आप उस पजल्स को सॉल्व करोगे एंड उस पजल्स को सॉल्व करने में आपका लॉजिकल माइंड जो है एक्टिव हो जाता है एंड जिस वजह से आपकी नींद खुल जाती है। तो नो स्नूज अलार्म का इस्तेमाल आप कर सकते हो। प्ले स्टोर पर आपको कई सारे ऐसे एप्स मिल जाएंगे नो स्नूज अलार्म्स का, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। आपको सिंपली प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है नो स्नूज अलार्म ऐप। पॉइंट नंबर 6 है बोरिंग बुक पढ़ना नींद ना आने पर। वेल, कई बार ऐसा होता है कि 10 बजे 9:30 बजे आप बेड पर आ जाते हो लेकिन आपको नींद आती नहीं रहती है क्योंकि आप ओवरथिंक करते रहते हो, बहुत ज्यादा सोचते रहते हो, कुछ भी आपके दिमाग में घूमता रहता है, किसी भी रीजन से आपको नींद नहीं आ रही होती है। उस वक्त में आपको कभी भी फोन नहीं चलाना है, लैपटॉप नहीं चलाना है, टीवी नहीं देखना है, बल्कि आपको कोई बोरिंग सा बुक लेकर जो बहुत ज्यादा आपको बोर फील कराए वो बुक लेकर बैठ जाना है एंड आपको रीड करना शुरू कर देना है। तो ये ट्रिक ना मैंने 10th में फाइंड किया था कि जब मैं रात को पढ़ा करता था ना, 10th में तैयारी करता था, पढ़ाई वढ़ाई करता था अच्छे से, तो रात को जब तैयारी करता था, रात को जग के पढ़ाई करता था, तो उस वक्त जो मुझे सबसे ज्यादा बोरिंग बुक लगता था ना, वो जब मैं पढ़ता था तो मुझे बहुत ज्यादा नींद आने लगती। तो उस वक्त मुझे समझ आया कि भैया ये सही ट्रिक है, अगर आपको नींद ना आए तो कोई ऐसा बोरिंग बुक लेके बैठ जाओ, उसको पढ़ने लगो, आपको ऑटोमेटिकली नींद आने लगती है। इसका रीजन ये है कि हमारा दिमाग चाहता है कि हम कुछ ऐसी चीजें करें जिसमें हमें मजा आए, जैसे कि फोन देखना, लैपटॉप देखना, टीवी देखना, है ना, उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं देखना, सोशल मीडिया चलाना, रील्स स्क्रॉल करना, कुछ भी टाइम पास करना। लेकिन जब आप दिमाग के चॉइस के विपरीत बोरिंग बुक लेके बैठ जाते हो तो उस वक्त आपका दिमाग बहुत ज्यादा बोर फील करने लगता है कि अबे यार ये क्या कर रहा है, इससे अच्छा तो मैं सो ही जाता हूं, मुझे नींद आ रही है। आपका दिमाग कहता है कि अबे ये इंसान मुझे मजा देने के बजाय सजा दे रहा है, इससे अच्छा तो मैं सो ही जाता हूं। दिस इज लाइक कि किसी बच्चे को लौकी खाना पसंद नहीं है लेकिन जब आप उसको लौकी और करेले में चूज करने को बोलोगे तो बोलेगा कि अरे यार लौकी ही दे दो, करेला छोड़ो। पॉइंट नंबर 7 है नींद खुलते ही इंस्टेंट डिसीजन लेना। देखो, मॉर्निंग में नींद खुलना मुश्किल नहीं है, अलार्म की जैसे या किसी भी रीजन से आपकी नींद खुल सकती है मॉर्निंग में, लेकिन बहुत से लोग ना फिर सो जाते हैं। जब मॉर्निंग में आपकी नींद खुलती है उस वक्त में इंस्टेंट डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है कि मुझे उठना है। मॉर्निंग में आपकी नींद खुल जाएगी लेकिन बेड से उठना आपका काम होता है। मॉर्निंग में नींद खुलना आसान होता है लेकिन बेड से उठना मुश्किल होता है। वो जो लेजीनेस होता है लोगों में कि अरे यार नहीं यार, मतलब कौन काम करे जाकर, कौन पढ़ाई करे जाकर, चलो सो जाता, तो ये वाला जो चीज है ना, ये इंसान को लेट उगती है। इसलिए आपको मॉर्निंग के टाइम में जब भी आपकी नींद खुले आपको डिसीजन लेना है, इंस्टेंट डिसीजन लेना है कि बाद में आप रिग्रेट करोगे कि मैं सुबह नहीं उठा इसके लिए, या फिर आप अभी उठकर काम करना शुरू करोगे। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वेकअप या फिर रिग्रेट, वेकअप या फिर रिग्रेट। इंस्टेंटली आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे उठना है, मेरे लिए उठना बहुत जरूरी है एंड उस वक्त आपको उठ जाना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि 11-12 बजे लेट उठते हैं दिन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।